इस वीडियो में देखेंगे अंडर फ्लो क्या होता है जब हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिया हुआ है, उसको रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट में पता है, 1 बिट साइन बिट का होता है, 4 बिट मेरा मेंटिसा का, 1 बिट साइन बिट का, 2 बिट जो होता है एक्सपोनेंट का होता है। तो अंडर फ्लो क्या होता है, जब हम किसी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उसका रिजल्ट स्टोर होने में बहुत छोटा होता है, यानी कि जो मेरा लीस्ट एक्सपोनेंट -99, अगर उसका एक्सपोनेंट इससे भी लीस्ट हो जाता है तो उसको हम इस 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम अंडर फ्लो बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर x1 और x2 दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है दिया हुआ, कुछ ऑपरेशन करने बोल रहा है। x1 और x2 को ऐड करना है, तो ठीक है ऐड करके देखते हैं क्या होता है। ऐड करके उसको रिप्रेजेंट करना है, ऐड करना है प्लस, इसका साइन माइनस में, तो इसको अलग लिखते हैं। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसी को आप स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हैं कि इवन टेंस टू करके जो बुक में दिया रहता है। तो यहाँ पे घटाएंगे तो घटाने पे आ जाएगा 0.00555 × 10⁻¹⁹, क्योंकि दोनों का एक्सपोनेंट क्या है इक्वल था। आराम से मेंटिसा को घटा दिए। घटाने पे यहाँ देखते हैं कि दो दो डिजिट एक्स्ट्रा है, तो हम राइट शिफ्ट कर देते हैं, तो लास्ट में जो हम देंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा मेरे मेंटिसा पे, लेकिन दो डिजिट हम राइट शिफ्ट किए हैं, पॉइंट को हम राइट लिए हैं, तो मेरा एक्सपोनेंट में -2 हो जाएगा। अगर लेफ्ट करते तो एक्सपोनेंट प्लस होता है, राइट करते हैं तो एक्सपोनेंट माइनस होता है। अब मेरा एक्सपोनेंट क्या हो गया, -101। ये मेरा 4 डिजिट है, 4 डिजिट हम रिप्रेजेंट कर देंगे 8 बिट स्टैंडर्ड में, क्योंकि 4 डिजिट मेरा मेंटिसा के लिए होता है। लेकिन एक्सपोनेंट मेरा यहाँ 3 डिजिट का हो गया, लेकिन मेरा एक्सपोनेंट फॉर्मेट के लिए मात्र 2 डिजिट दिया हुआ है 8 बिट में। मेरा लीस्ट एक्सपोनेंट क्या है, -99, इससे भी मेरा एक्सपोनेंट क्या छोटा आ गया। इसको हम स्टोर इस फॉर्मेट में नहीं कर सकते हैं, इसी को हम बोलेंगे अंडर फ्लो।